ये है गुआवा का प्लांट। ये एक कटिंग से तैयार किया हुआ प्लांट है जो कि मैंने 150 रुपीस में लिया है और इसको मैं अपने पॉट में पॉटिंग करूँगी। नेक्स्ट ये है रात की रानी का प्लांट, ये भी मैंने 150 रुपीस ईच में लिया है। ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसके फ्लावर्स रात को खिलते हैं जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये भी मैंने 50 रुपीस ईच में परचेज किया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये है अपराजिता की बेल, इसके ऊपर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये फ्लावर्स मेडिसिन वगैरह में और इसके पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है इनके फ्लावर्स का। ये भी मैंने 50 रुपीस ईच में लिया है। फ्रेंड्स, ये प्लांट धूप कम मांगता है। नेक्स्ट, ये प्लांट मेरे टिंडे की वाइन है जो कि मोस्टली मैं कोशिश ये करती हूँ कि घर पे ही अपने यहाँ पर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह घर से प्रोवाइड कर सकूँ। नेक्स्ट, ये ट्रम्पेट वाइन के दो प्लांट्स हैं। ये भी एक वाइन है, इसके ऊपर गुच्छों में ऑरेंज कलर के सुंदर सुंदर प्लांट्स फ्लावर्स उगते हैं। फ्लावर्स लंबे समय तक टिके रहते हैं, फ्लावर्स झड़ने के बाद फिर दोबारा से ये थोड़े टाइम के बाद फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये है खलीफा का प्लांट, ये भी एक बहुत सुंदर प्लांट है। ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता, चाहे आप इसे गमले में लगाएं, चाहे इसे मिट्टी में लगाएं, अगर हम इसको कटिंग करते रहेंगे तो ये बुशी बना रहेगा। इसकी लीव्स रेड कलर की हो जाती हैं अगर हम इसको धूप में या सन में अगर इसको हम लगाते हैं, और इसकी लीव्स बहुत सुंदर हैं। इसकी लीव्स जो हैं बहुत ही वेरिएटेड स्टाइल की और डिफरेंट लुक में है। देखिए कितनी खूबसूरत लीव्स हैं। ये भी एक तरह का ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह हम इसको वो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है टोटल मेरी आज की प्लांट्स की शॉपिंग, जो कि मोस्टली परमानेंट प्लांट्स हैं, जो कि फ्लावर देने वाले प्लांट्स हैं, जो कि हम इसको वाइन की तरह ही चला सकते हैं, और अगर हम इसकी रेगुलर कटिंग करते रहेंगे तो ये एक बड़ा सा एक बंच की तरह हमारे आगे प्लांट तैयार हो जाता है। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एवरीवन।